हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे कोरिया ज़िले के बारे में। कोरिया की जो प्रमुख प्रमुख बातें हैं वो हम यहाँ पर साथ आपको बताएंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड, हम कोरिया रियायत के बारे में बात करते हैं। कोरिया रियायत की स्थापना राजा धारमल सोहा के द्वारा किया गया। यह क्षेत्र गोंडवाना सेल के अंतर्गत आता है, अर्थात यहाँ पास जो कोयला है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपको मिलेंगी। कोरिया की कुछ दार्शनिक स्थल हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे हिसाब से ठीक है, तो मैं उनको कुछ बताना चाहूँगा। सबसे पहले कोटाडोल। कोटाडोल में अशोककालीन मूर्तियाँ आपको मिलेंगी जो गोपदो बनास नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद आ गया हरदी हरचौका। हरदी हरचौका मुनाही नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पास अनेक मूर्तियाँ आपको खंडित अवस्था में भी मिलेंगी। फिर इसके बाद आ गया सीतामढ़ी हरचौका। यह मुनावी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पास आपको पुरानी प्राचीन शैल्य कृत गुफाएं आपको मिलेंगी और यहाँ पास भी अनेक मंदिर आपको मिलेंगी जो टूटी हुई अवस्था में आपको प्राप्त होंगी। यहाँ पास आ गया नेक्स्ट है आपका सीतामढ़ी गुफा जो घाघरा में है, घाघरा ग्राम में रापा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पास क्या है, शिव जी की प्रतिमा है वो टूटी अवस्था में आपको मिलेंगी। इसे कुलचा, अब यहाँ पास लोगों का मानना जाता है कि यहाँ पास भगवान सीता और राम का, माता सीता और हमारे प्रभु श्री राम जी का यहाँ पास निवास स्थान रहा होगा। कोरिया ज़िले में और भी कुछ दार्शनिक स्थल हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जानना ज़रूरी है। सबसे पहले हम बता दें आपको अमृत धारा। अमृत धारा जलप्रपात जो हसदो नदी पे है। इसके बाद आ गया नेक्स्ट है आपका गवर घाट। गवर घाट ये भी आपको हसदो नदी में ही ये घाट आपको मिल जाएंगे। इसके बाद वहाँ का एक प्रमुख डैम है झुमका डैम, ठीक है, और यह कोरिया जिला कर्क रेखा से होकर गुजरती है। तो फ्रेंड्स, कोरिया जिला के बारे में ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।